हे राम जी, हे अल्लाह, हे वाहिगुरु, कहाँ पे हो आप? कहाँ पे हो? मैंने सुन रखा है कि आप हर एक के हृदय में निवास करते हो, चेहरे चेहरे में आप ही हो, हर जगह पे हो, पानी और अग्नि में भी आपका वास है, जमीन और आसमान आपके ही कारण है, ग्रहों की चाल भी आपसे ही बनती है, चांद सितारे ब्रह्मांड सब में आपका वास है, शरीर और रूहों का संबंध आपसे ही बनता है, मिट्टी पानी हवा अग्नि और खला इनको लेके इनमें चेतना ढाल के आप जीवन बना देते हो, और फिर जब चाहे जीवन को इनसे अलग कर देते हो, आप ये अलग अलग रूहों को मिलाते हो, उनमें संबंध पैदा करते हो, और फिर एक दिन इनको भी छोड़ देते हो, बेचने के लिए मजबूर कर देते हो, अलग कर देते हो। एक तरफ मिलने का सुख होता है और दूसरी तरफ बिछुड़ने का दुख, ये सब आपके कारण ही है ना। हर जीवन की आप एक नई कहानी बनाते हो, अनंत कहानी बनती है, अनंत जितने जीव, और एक दिन हर जीव की बनी हुई कहानी खत्म हो जाती है, और इस तरह ख़त्म होती है कि जैसे कभी इस दुनिया संसार में वो थी नहीं, उसका वजूद ख़त्म हो जाता है। अभी तो लगता है कि ये कहानी बिल्कुल रियल है, और एक दिन फिर उसका वजूद बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और किसी को भी आप रुकने थोड़ा देते हो, हर चीज़ चल रही है ना, एक एटम, छोटे से छोटा एटम जो सुई की नोक पे करोड़ों होती है, ऐसा एक एटम जो दिखाई नहीं देता, उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन चलते रहते हैं निरंतर, कभी नहीं थकते, कभी नहीं रुकते, और उन्हीं के कारण सारा मैटर बनता है। तो माइक्रोजीव वो भी चलते हैं ना, बैक्टीरिया भी चलते, और सारे पशु पंछी भी चल रहे हैं, वनस्पति भी चलती है। आपको कि कैसे ये चलती है तो दिखाई नहीं देती, सोचिएगा ये भी चलती है, धरती आसमान ग्रह चांद सितारे सभी तो चल रहे हैं, धरती चल रही है सूरज के इर्द गिर्द और अपने दूरे के अबाउट, कभी रुकती है एक सेकंड नहीं रुकती, कभी नहीं थकती, चलती रहती है, चलती निरंतर। कौन चला रहा है इसे? क्या सूर्य चला रहा है? और सूर्य भी तो चल रहा है अपनी गैलेक्सी में, आकाशगंगा में, इसे कौन चला रहा है? और आकाशगंगा भी तो चल रही है जिसमें मिलियन ट्रिलियन स्टार्स हैं, जैसे एक हमारा सूरज है ना, ऐसी करोड़ों सूरज, अरबों सूरज और हैं इस आकाश गंगा में, वो भी सब चल रहे हैं। फिर आकाश गंगा कहाँ रुकी हुई है? ये भी तो चल रही है। तो ब्रह्मांड भी चल रहा है जिसमें सभी कुछ है ये, और ये ना खत्म होने वाला सफर है। तो इंसान भी चलता है ना, और जब चलता चलता इंसान रुक जाता है। इंसान कैसे चलता है? बच्चा पैदा होता है, पहले माँ बाप सब कुछ होते हैं, फिर भाई बहन, फिर साख संबंधी, फिर उसका अपना परिवार, फिर उसका संबंध ऑफिस तक, वहाँ चलना, फिर बुढ़ापा आना, बुढ़ापे में और संबंध बनने, फिर थक जाता है वो, तो बूढ़ा होता है तो थक जाता है। जब
चलता चलता थक जाता है, तो उससे उससे उसका उससे उसके जीवन को उसके शरीर से अलग कर दिया जाता है, उसका शरीर भी बूढ़ा हो जाता है ना, इसीलिए ब्रह्मंडी शक्ति उसके शरीर को उससे अलग कर देती है कि अब बस खत्म, इसको इसी मैटर में मिलने दो। रूह अलग हो जाती है, फिर रूह का सफर शुरू होता है। रूह का सफर जिसका किसी को कुछ नहीं पता, रूह का सफर जिसका किसी को ऐसा सफर वो भी है, तो ये ना खत्म होने वाले सफर है। और ये भी कितनी हैरानी है, अचरजता है कि हम सब इस सफर में इस समय हम इकट्ठे हैं। कई जनरेशन और आई और गई, पता नहीं उसमें भी हम थे कि नहीं थे, पर इस समय तो हैं। तो मैं जिन लोगों को अब देख रहा हूँ, ये भी बड़ी हैरानी है कि इसको अगले सफर में मैं नहीं देख पाऊँगा, ये होंगे भी तो मैं इनको पहचान नहीं पाऊँगा, ये नहीं भी होंगे तो भी नहीं होगी तो भी नहीं, और यदि होंगे भी तो मेरे से अनजान होंगे। तो ये सब आप इसी समय बस मैं देख सकता हूँ, देख रहा हूँ इनको, चाहे ये मेरे माँ प्यो हैं, चाहे मेरे बच्चे हैं, चाहे साग संबंधी हैं, बस इस समय तो मैं अच्छी तरह से इनको देख लूँ, क्योंकि बस यही जीवन में इनको देखना है। तो हम सब साथ हैं, तो आओ हम दुआ करें, आओ हम दुआ करें इस सफर में थोड़ा सा रुकें, यदि रुक सकते हैं तो। वो ब्रह्मंडी शक्ति नहीं चाहती कि हम रुके, वो चाहती निरंतर चलते रहो, पर रूह रुकना चाहती है थोड़ा। रूह को थोड़ा सुकून दे सकते हो, रूह को कह सकते हो कि ब्रह्मंडी शक्ति का धन्यवाद दो, हे ब्रह्मंडी शक्ति आपका धन्यवाद, आपका शुक्रिया, आपने हमें जीवन दिया, आपने इस समय हम सब लोगों को मिलाया, आपका शुक्रिया, आपका धन्यवाद, आपका शुक्रिया। मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं, कैसे शुक्र किस चीज़ से शुक्रिया अदा करूं, मेरा मुझ में कुछ है ही नहीं, जो कुछ भी है यहीं से लिया हुआ मैंने, मैं लेके आया क्या था, कुछ भी नहीं ना, एक शरीर था छोटा सा, और उससे पहले जब माँ के गर्भ में था तो वहाँ तो उससे भी छोटा था, तो जब बाहर आया तो छोटा सा शरीर, तो बड़ा होता गया, यहीं से मिला ब्रह्मांड से, यहीं सब कुछ इकट्ठा किया, तो मैंने जो कुछ लिया यहीं से लिया, तो मैं क्या दे सकता हूँ, फिर ब्रह्मंडी शक्ति को क्या दे सकता हूँ, तो मैं किस तरह से शुक्रिया अदा करूँ, क्या उसके आगे रखूँ, क्या उसके आगे रखूँ, क्या उसके चरणों में अर्पित करूँ, मेरे में मेरा कुछ है ही नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, क्या है, कुछ भी नहीं है, क्या अर्पित करूँ, फूलों को अर्पित करूँ, नहीं, फूल तो आपने पैदा किए, ये जिंदा हैं, इनको तोड़ूंगा मर जाएंगे, मरी हुई चीज़ अर्पित करूँगा भगवान को, नहीं, तो एक जीवन जो चल रहा है उसको मैं कैसे समर्पित कर सकता हूँ, तो वो भगवान से ही है, तो मैं क्या समर्पित करूँ, यही समझ में नहीं आता, बस फिर रहने दो, फिर हाथ छोड़ो, बस ये करो, शुक्र है भगवान, शुक्र है आपका, शुक्रिया, थैंक्स, शुक्रिया, हे ब्रह्मंडली शक्ति आपने ही मिलाया, आपने ही ये जीवन दिया, आपके कारण ही हैं हम, शुक्रिया शुक्रिया, बस शुक्रिया से आगे मेरे पास कुछ भी नहीं है, शुक्रिया से आगे मेरे पास कुछ भी नहीं है, हाथ छोड़ सकता हूँ, ये भी हाथ आपके दिए हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, बस हाथ छोड़ सकता हूँ, शुक्रिया भगवान, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है।
हे भगवान, मेरी प्रार्थना है मेरी आँखों को ऐसी रोशनी दो जिसको भी देखूं बस तेरा ही स्वरूप दिखाई दे। आप ही दिखाई दो, आप ही हो भगवान, हर एक चरे में, हर शरीर में, हर वनस्पति में, हर पशु प्राणी में, हर फूल में, हर पौधे में, हर जगह आप ही हो। हर जगह भगवान आप ही हो। मैं आपको नहीं देख सकता ना बस, पर मैं आपकी बनाई हुई कायनात को तो देख सकता हूँ। तो आपने अपने हाथ से जो जो बनाया, आसमान, धरती, चांद, सितारे, ब्रह्मांड, मैं आसमान को देख सकता हूँ, सितारों को देख सकता हूँ, हवाओं को देख सकता हूँ। ये आपके कारण है, आपके बनाए हैं, आपने बनाए हैं ना, तो इसी से आपके दर्शन है। बस इसी से ही आपके दर्शन है भगवान, आपके दर्शन बस इसी से ही। धन्यवाद, शुक्रिया 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 भगवान।